भाजपा वाले झूठ का प्याला पिए हुए हैं। जनता कहती है गरीबी आ चुकी है, तो जनता जो लेने लायक नहीं है वो क्यों लेती है? यह सरकार बेकारी और महंगाई का आलम खड़ा कर दिया है। लगता है बैलेट पर हो जाएगा तो भाजपा चली जाएगी। हाँ चली जाएगी। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के संजरपुर बाजार में, और संजरपुर बाजार के मोहद्दपुर चौराहे पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। दोस्तों, संजलपुर एक बार सुर्खियों में था बटला हाउस इनकाउंटर के बाद, लेकिन आज हम संजलपुर में हैं और यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां के लोग क्या नरेंद्र मोदी के 9.5 सालों की शासनकाल से संतुष्ट हैं या यहां के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है चचा आपका? शंकर। शंकर, क्या चाहते हैं? अगली साल फिर लोकसभा चुनाव है, कौन आना चाहिए? भाई नई सरकार बननी चाहिए। नई सरकार बननी चाहिए, क्यों? मोदी जी की काम अच्छा नहीं करी सरकार? काम अच्छा है लेकिन कुछ है ऐसा जो नहीं। बताइए, खुल के बताइए क्या है? अरे भाई है ना, इससे गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हट गई, आप कह रहे तकलीफ हो रही है? अरे साहब, खाने पे जनता मर रही है। भाई साहब ये तो अच्छे दिन चरम सीमा पर है। क्यों अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। हाँ, उनके कहने से बजा रहे हैं ना। जनता से पूछा जाए, जनता एकदम परेशान है। जनता परेशान है? हाँ। तो मोदी जी के क्या चाहते हैं? अगली साल सत्ता परिवर्तन हो? परिवर्तन होना ही चाहिए। अच्छा। हाँ। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? इस सत्ता 5 साल के बाद नई सरकार होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। ये हम नहीं कहे कि मोदी खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन किसी की पपौती नहीं है। प्रजातंत्र अमित शाह कह रहे 50 साल हुकूमत करूंगा मैं। अरे 50 साल कैसे करेंगे? इंटर से कॉलेज उसमें जाओगे तो कहो आपको लैपटॉप मिलेगा। कहाँ क्या क्या? इंटर से बीए में जाओगे तो इनको लैपटॉप मिलेगा। अमित शाह कह रहे हैं? हाँ, अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि 50 साल कांग्रेस, 60 साल हुकूमत करिए, 50 साल हम भी हुकूमत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जनता प्रजातंत्र राज है। हाँ। सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। होगा? हाँ। आपको लगता है हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए लोगों को, मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के दर्द। अच्छे दिन क्या आए? संवेदा पर नौकरी दी जा रही है, लोग आ रहे हैं रोड पर। फ्री में राशन दे रहे हैं भाई, फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ। तो राशन से काम चल जाएगा? फिर पड़ा हुआ है, जनता तरह तरह कर रही है। पाँच किलो में काम पूरा हो जाएगा। फ्री राशन बंद कर दे तो क्या चाहिए आपको? हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए? क्यों रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। पूरी दुनिया में देश का डंका, कोई डंका नहीं बज रहा। ये जुमला है? कहाँ जुमला? जुमला बिल्कुल पूरी दुनिया में भारत में। भाजपा वाले झूठ का प्याला पिए हुए हैं। झूठ का प्याला? हाँ झूठ। मोदी जी कह रहे गरीबों का बच्चा हूँ, गरीबों के दर्द को समझ। वो गरीब रहते थे, ऐसा करते ही नहीं। क्यों गरीब नहीं है? बिल्कुल चाय बेचते थे भाई साहब। अरे चाय जुमला का? जुमला का। हाँ क्या लगता है चाय जुमला था? भाई इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। लेकिन जो सत्य था मैंने कह दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्यों बदलाव होना चाहिए बताएं? ये प्रजातंत्र देश है, यहाँ बदलाव होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस देश में 50-60 साल राज किया है। हाँ। तो क्या भाजपा 50-60 साल राज नहीं कर सकती? क्या उनके नाम कोई बहनामा नहीं है कि यही राज करेंगे? हाँ। दूसरा नहीं बन सकता, किसी पंसी नहीं है। कौन बनना चाहिए आपको? परिवारवाद नहीं होना चाहिए। कौन बनना चाहिए? अब नई सरकार में जो लोग जनता जिसको चुने अच्छा समझे उसको बनावे। अच्छा मोदी और राहुल में आपको चुनाव किसे चुनेंगे? भाई इस समय तो राहुल ठीक चल रहे हैं। राहुल ठीक चल रहे हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं ये तो पप्पू है, इनको तो कुछ आता ही नहीं। अरे कैसे, उनके कहने से बाद आधा राज करते चले आए और उनको कुछ नहीं आता है? नहीं, तो कह रहे हैं कि ये तो संसद में आंख मारते। गलत है, गलत है, सरेसर गलत है। संसद में आंख मारते हैं ना राहुल गांधी? अब आंख मारने हम लोग वहां देखने तो गए नहीं कि आंख मारते हैं कि नहीं मारते। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि ये जो है संसद में आंख मार रहा है। नहीं हम तो भाई इसको नहीं मानते। आप नहीं मानते? नहीं। तो आपको क्या लगता है अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं? इस आधार पर इसे नवयुवक हैं, नवयुवक हैं, जनता में उनका पकड़ चल रहा है, देश में ऑल इंडिया में चल रहा है। इस आधार पर उनको सत्ता भी हार रहे हैं, हर जगह से तो हार रहे हैं चुनाव। अरे भाई हार रहे हैं, अब सभी पार्टियां गठबंधन एक हो जाएं, सत्ता बन आ सकती है। श्रीमान जी, अगर उनको यही कहे कि हम सत्ता में जीत रहे हैं तो बैलेट पेपर से करा लें। बैलेट ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी भाई। कांग्रेस नहीं लेके आई है, ये खुद लेके आए हैं। ईवीएम तो सुनिए, ईवीएम जिस जगह पे बनी है उस जगह पे
फेल हो गई है, वहाँ पे बैलेट पेपर पे पड़ता है। क्या लगता है बैलेट पर हो जाएगा तो भाजपा चली जाएगी? हाँ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? बिल्कुल जाएगी। नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। कैसे जाएगी आप बताओ? हम जान रहे हैं ना जाएगी। कैसे जाएगी? हम जान रहे हैं ना, पब्लिक जान रही है ना। आप बताओ भाई, युवा हो, क्या चाहते हो? देश में यही मोदी की सरकार होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, मोदी की नहीं, जिसका अच्छा कार्यक्रम रहेगा उसी की। कौन अच्छा कार्यक्रम कर सकता है? अरे अब जनता जिसको चुनेगी उसी को ना। आप तो जनता ही है ना, बताओ कौन आना चाहिए? अब वो जनता के हम ही, आप पे डिसाइड थोड़ी है कि हम ही लोग कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं कर रहे हैं, खाली हम लोग और हम लोगों की युवक को तो नौकरी वोकरी का वैकेंसी तो आना चाहिए। अरे दुनिया भर में डंका बज रहा है यार, देश का नौकरी चक्कर पड़ा। अरे नौकरी कहाँ, कितने बच्चे वहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं नौकरियाँ वैकेंसियाँ निकल रही हैं। योगी जो कह रहे हैं इतनी योग्यता ही नहीं है कि आपको नौकरी मिले। बताइए। हाँ भैया बताइए, तो क्यों बदलाव होना चाहिए? बदलाव इसलिए होना चाहिए कि आवाम को सुकून चाहिए। क्यों, अभी सुकून नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों सुकून? भुखमरी मरी भाई साहब, रोड में रोड का जाल बिछ गया है। भुखमरी है? हाँ भुखमरी है एकदम। पब्लिक भूखे मर रही है। हाँ भूखे मर रही है। 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में। 5 किलो राशन फ्री का नहीं चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर अगर फ्री को जनता कहती है कि हम भूखे मर रहे हैं तो जनता क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? जो लेने लायक है उनका नहीं दे रहे हैं। पहले सुनिए, पहले बात सुनिए, सुनिए। अरे प्रधान जी क्या कहेंगे सुनिए। अगर जनता कहती है गरीबी आ चुकी है तो जनता जो लेने लायक नहीं है वो क्यों लेती है? अगर वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग चुकाएंगे। सरकार बहुत अच्छी कर्ज कर रही है। सरकार कोई गलत काम कर नहीं कर रही है। जगह जगह रोड बना रही, जगह जगह सब कुछ बन रहा है। हम लोग गाड़ी लेकर के चल रहे हैं। अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आए हैं। हाँ, 5 अच्छे काम बताइए मोदी जी। बहुत अच्छे काम है। 5 काम बताइए। देखिए, आजमगढ़ से, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए, लालगंज होते हुए बनारस तक रेलवे बिछने जा रही है। किसके लिए मर रहे हैं? हम लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कहीं हमको बनारस नहीं जाना पड़ेगा। रोड हो गया है भी तो किसके लिए हुआ? पानी के लिए सब कुछ वही कर रहे हैं। गांव में सब कुछ सुरक्षा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी के योजना कर रहा है। योगी फिर फ्री में देने जा रहे हैं 2000। बांट रहे हैं तो 2000 रुपया दे रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मिला 2000 किसको? हमारे पास खेती नहीं है तो हम नहीं पाए, लेकिन जिसके पास करोड़ों का संपदा है वो भी तो पा रहा है। ये तो नहीं सोचे, लेकिन मोदी जी जो कहे सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका विकास हो रहा है? कुछ लोगों का सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मोदी जी बहुत किए, ये लोग तो समझिए कि जब आज भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप सुनिए, भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। भाजपा के सांसद संसद में खड़े होकर मुसलमानों को कटुआ कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। आप कह रहे सबका विकास सबका साथ। अच्छा, मुसलमानों को लखवा नहीं दिए, टिकट नहीं दिए है? कहाँ दिए? कहाँ से दिए? बराबर दिए। आप बताइए कहाँ से दिए? वहाँ से। देखिए हमको ख्याल नहीं रहा, वो यहाँ से हापुड़ से कहाँ से दिए हैं? हाँ, बराबर दिए हैं। ऐसा नहीं दिए, बराबर वो सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का मानना है सबका साथ। वो लोग देखिए अपने माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, ये नेता को क्या नहीं छोड़ देंगे? बाप मातारी इतना अथवा करके परिश्रम करके जिलाते हैं, खिलाते हैं। एक एक कुआं से 5 कुआं जाता है पानी, लेकिन 5 कुआं से एक कुआं नहीं आ पाता। मोदी जी कह रहे गरीब का, मोदी जी कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। क्या आप सहमत है इस बात से? हाँ, लेकिन ये प्रधान लोग नहीं सही काम करवाते हैं कि नहीं गरीबों को हमेशा सब कुछ मिले। प्रधानमंत्री का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ये लोग, नीचे वाले खराब कर रहे हैं। तो क्या जो आपके सांसद हैं, आपके सांसद यहाँ, आप उनसे संतुष्ट हैं जो इस वक्त यहाँ के सांसद आते ही नहीं, आते ही नहीं, जनता में मिलते नहीं। वो पैसे वालों के पास जाते हैं, पैसे वालों से मिलकर चले जाते हैं। जैसे कहा गया है कि मुंह देख बीरा की गाढ़ देख पीढ़ा, ऐसे लोगों को लग जाते हैं तो गरीबों में आते नहीं, वोट लेने के लिए आते हैं। जैसे मच्छर लोग जब समय आता है मच्छर पनपर आती है, उसी तरह नेता लोग पनपर आते हैं। तो क्या लगता है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है 2024 में मोदी सरकार फिर आएगी? फिर आएगी? कैसे आएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं हरा दूंगा मोदी। आएगी? राहुल गांधी कह रहे आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। आप बताइए भाई,
2024 में लोकसभा का चुनाव है। देखिए, यह वर्तमान सरकार जो है यह सरकार बेकारी और महंगाई का आलम खड़ा कर दिया है। चारों तरफ बेरोजगारी है, चारों तरफ पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। आम आदमी को अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बस ये जान लीजिए। बेहद बेहद महंगाई है। हम लोग 2024 में परिवर्तन लाएंगे, दूसरी सरकार कौन आना चाहिए, मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसको लाया जाएगा। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट रहा तो आपको लगता है कि कुछ? हाँ, अगर सब लोग जुट करके लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव। आप किसको चाहते हैं पीएम, कौन बने अगला पीएम कौन? अब देखिए, उसमें संख्या ज्यादा है भाई, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन राहुल गांधी भी वैसे योग्य आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा वाले कह रहे राहुल के अंदर बचकानी हरकत है। नहीं, वो तो राहुल को बदनाम करने के लिए न जाने कितनी ताकत लगाई गई, मीडिया वालों को मिला के कितना खर्चा किया गया। नहीं तो राहुल जो है वो युवराज है, वास्तव में युवराज है हिंदुस्तान। क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ की तस्वीर बदलेगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार लोगों को मिलेगा, महंगाई घटेगी, आम आदमी कमाने खाने लगेगा, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर सब खत्म हो जाएगा। 10 साल से खाली मंदिर मस्जिद चल रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि 50 साल हम हुकूमत करेंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं, वो जनता को वोट देना है। जनता अब जाग गई है, जनता अब जाग गई है। अब तक जनता सो रही थी। हाँ बिल्कुल, बकाया गया उनको। 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से उड़ाएंगे, उसमें डीजल पेट्रोल 35 रुपया में बेचेंगे, बाबा रामदेव उसमें शामिल हो गया था बेचने के लिए, तो ये सब हुआ। लेकिन दुनिया देख ली कि 35 रुपया में मिला कि 100 रुपए में मिला हवाई जहाज वाला का। देश का विकास भी तो हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो। साइकिल चली गई, हवाई चप्पल वाले की हवाई जहाज की तो बात छोड़िए, साइकिल की चल रही। साहब, कांग्रेस की हुकूमत होती देश डूब जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, उसने 70 साल से विकास ही किया, देश आजाद हुआ। उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन लोग बताते हैं कि बजड़े और सीरा जो है कार्ड पे बंटवाया जाता था, वो गरीबी थी, वहाँ से चल करके आज जो भी कुछ देश में देखने के लिए, कांग्रेस की देन है। भाजपा ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप बताएं भाई, आप बताएं, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देश का अगला प्रधानमंत्री तो मोदी ही होगा। मोदी ही होगा, क्यों मोदी होगा? 9.5 साल से मोदी पीएम है यहाँ पे। ऐसा है, ईवीएम मशीन हट जाए सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। हाँ, ईवीएम चलेगी, मोदी ही होगा। तो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार में भी ईवीएम थी भाई साहब। हाँ, कहाँ थी? जी, बैलेट पेपर पर वोट पड़ गया। कांग्रेस की सरकार में ईवीएम थी। हाँ, वो बाद में। आप क्या चाह रहे? चुनाव आयोग कह चुका है ईवीएम सही है, तो और देश जो लागू किया वो क्यों नहीं कर रहा है? जो देश लागू किए हैं वो क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जो देश लागू किया है वो क्यों नहीं कर रहा चुनाव? कह रहे ईवीएम पे गड़बड़ी हो रही है। हाँ, ईवीएम से ही हो रहा है। बैलेट पेपर हमारा है, बैलेट पेपर से कराया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए। देश विकास कर रहा है और आप पीछे जाने की बात? नहीं नहीं, विकास तो है, विकास तो कर रहा है देश, लेकिन जहाँ मूल सिद्धांत है वहाँ पर आइए ना। ये अब मशीन जो बनाया, मशीन वो लागू नहीं किया। अगर अगर ईवीएम हट जाएगी तो कौन आएगा? कौन आएगा? वो तो फिर जनता चुन देगी जो उसको। आप क्या चाहते हैं, कौन आना चाहिए, कौन आएगा? जो भी आए आ जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अमित शाह कह रहे 50 साल हुकूमत करूंगा। अमित शाह तड़ी पार है, 50 साल राज करेगा। देश के गृह मंत्री को आप तड़ी पार कर सकते हैं? नहीं था, आप नहीं जानते हैं। वो तो इस वक्त गृह मंत्री है ना? नहीं, गृह मंत्री हैं इस समय तो हैं, लेकिन तड़ी पार नहीं थे, आप नहीं जानते हैं। यानी आपको लगता है कि अगले साल सरकार बदल जाएगी? नहीं, बदलेगी तो नहीं, ऐसी हालत रही, नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? अरे जनता वोट कहीं देती है, वो जीत नहीं, नहीं, चुनाव आयोग कह चुका है कोई गड़बड़ी नहीं होती। चुनाव आयोग किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है। नहीं तो वो जो मतलब अमेरिका जो है उसको बदल दिया नियम, कैसे बदल दिया? अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव होता? नहीं, ईवीएम से चुनाव होता, संयुक्त राष्ट्र संघ को बदला गया कि नहीं बदला गया? तो फिर जब पूरे बदल जा रहा आप, है। आप मुझे ये बताएं, 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, अब होना पड़ेगा, है नहीं होना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों होना पड़ेगा जबरदस्ती? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसको हम वोट देते हैं वो पहुंचते ही नहीं, पहुंच जाता तो आता ही नहीं। हमारी सड़कों की हालत तो बहुत खराब है, चलने लायक है नहीं। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया एक्सप्रेस वे के। आप चल के देख लें ना, उससे चल के देख लें, ये जाल कौन बिछाया? आप जानते हैं, मोहम्मद मसूद खान ने बिछाया है। अच्छा। हाँ, किसी से पूछ लीजिए, मोहम्मद मसूद खान ने रोड बनवाया। अखिलेश की भी सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे थे, लेकिन रोड को वैसे ही। जब पुल और रोड मोहम्मद मसूद खान की देन है। कितने साल पहले वो मंत्री बने थे बताइए, इसके बाद कोई सरकार आई? जब भी बने करके वही गए, करके वो गए ना, उसके 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 बाद तो तमाम सरकारें आई, बसपा क्या आई, सपा क्या आई है। अभी गांव में कुछ पहुंचा नहीं, रोड शहरों में बन गया होगा,
तब भाजपा को आप दोष क्यों दे रहे हैं भाई? भाजपा को दोष इसलिए दे रहे हैं कि धक्के शाही से चल रही है। धक्के शाही से चला रहे क्यों? धक्के शाही चले, डबल इंजन सरकार यूपी में आप भाई साहब, डबल इंजन सरकार है वहाँ है तो इतने अपराधी है, सब यूपी छोड़ के भाग गए। कहाँ गए? सब भाग गए। सबसे बड़े अपराधी तो वहीं बैठे हैं। सबसे बड़े अपराधी आप बताइए। सर जो मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हर एक प्रकार के लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन की बात बताइए, ये बात ऊपर तक जाएगी? नहीं नहीं, बात ऊपर तक जाएगी, लेकिन क्या है कि मतलब पड़ता है जैसे सरकार की बात जो लोग रख रहे हैं 70-80 साल से जो है राज इन लोगों ने किया है, तब कोई बात नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ। अभी 10 साल जो है मोदी सरकार को और योगी सरकार को हुआ नहीं कि ये बिल्कुल जो क्यों बज रहा है? 70 साल उनको दिए तो इन्हें भी 10-20 साल चाहिए। बज रहा है ये, आखिर में इनको भी तो देखो सही। यानी आपको लग रहा है कि मोदी सरकार अच्छा काम नहीं? 2024 में तो ये आएगी सरकार सर। आएगी? आएगी। किस बिना पर आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, ये जो मतलब पड़ता है कि ये कर रहे हैं जनता के लिए, कर रहे हैं रोड बना रहे हैं या लाइन बिछा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आएगी आएगी। आप कुछ काम अच्छे बताइए मोदी जी को। और मोदी जी के तो सारे काम अच्छे लग रहे हैं सर, जो है हमारी बहन बेटियां जो टाइम से अपने स्कूल जा रही है, कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। आप जानते हैं, आप जानते हैं यूपी में पुलिस वाले जो है रात में पेट्रोल छिड़क के बेटियों को जला देते हैं। कहाँ है? हाथरस में। हाँ, उज्जैन में। उज्जैन है सर, तो वो सही तो नहीं है। तो ये और भारत सरकार का ये आंकड़ा कह रहा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा है सर? जो है कहाँ से बड़ा है? कितना वादा था, वादा था उत्तर प्रदेश बनाने का, वादा था उत्तर प्रदेश बनाने का। सड़कों का हाल आप देख लीजिए। तो सर मतलब पड़ता है कि कुछ टाइम तो दीजिएगा ना, बनाने में टाइम लगता है। 9 साल तो हो गया, कितना टाइम चाहिए? आदमी एक आदमी अपना घर नहीं चला सकता है, वो तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है सर। यानी आप संतुष्ट हैं मोदी जी और योगी जी से? नहीं, वो तो खुश तो है ही, हम तो खुश हैं, हमें कोई बात नहीं। यानी अगली साल फिर आएगी मोदी सरकार? अब यूं मैं गारंटी तो सर नहीं ले सकता। नहीं, आप चाहते हैं कि आनी चाहिए? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आए सरकार। आनी चाहिए बिल्कुल सर। यानी आपके हिसाब से यहाँ अपराध कम हुए हैं? योगी का बुलडोजर का डर लोगों के दिलों में है। हाँ, बुलडोजर का डर है, वो तो है ही। गलत काम जो करेगा वो भोगेगा, उसमें क्या है। वो तो यहाँ ये कह रहे आजमगढ़ में साइकिल आई, ये आपके सामने खड़े कर रहे। अब ये है, ये देखिए बैकवर्ड, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था यहाँ पर ना, क्योंकि ये सब अपने भाई है, ऐसी बात नहीं है, समझ गए सर, इसलिए मैं आपसे कट रहा था। कोई बात नहीं, आपकी बात मोदी जी तक पहुंचेगी? नहीं, पहुंचा दीजिए, उसमें क्या बात है? मैं कोई गलत तो थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, गलत मैं बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, आपके सामने ही कह रहे हैं मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। सर हमारे देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश से होंगे तो यहाँ के लोग अरहर की दाल खाते हैं। मैं इसी आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, अरहर की दाल लोग खाते हैं, अभी 100 के इर्द गिर्द घूम रही थी, आज 180 रुपया अरहर की दाल। तो पूरी दुनिया में सिर्फ नहीं सर, पूरी दुनिया में कहाँ है? अब जब हम लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे? क्यों नहीं खरीद पा रहे? गैस कहाँ चली गई? गैस अभी 200 कम कर दिया मोदी जी ने। अरे सर 200 कम नहीं कर दिया, बढ़ गया। मोदी जी ने कहा 200 मैंने कम कर दिया। आज सर उज्ज्वला गैस योजना वाले गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। क्या कह रहे भैया? इलेक्शन के बाद देखो 1500 हो जाएगा। क्यों 1500? अरे क्या बात कर, नहीं क्या लगता है मोदी जी साहब संतुष्ट नहीं है इस सरकार से? आप संतुष्ट? अरे लॉलीपॉप देने की कोशिश ना करो, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सब जानते हैं। क्यों सब पढ़े लिखे हैं? तो क्या मतलब है? तो पढ़े है नहीं? बोलिए। आप ये बताइए, 9.5 देने की कोशिश ना करें? नहीं, 9.5 सालों से ये मोदी जी की सरकार है, अगले साल फिर से लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि सरकार फिर से आनी चाहिए या बदलनी चाहिए? चेंज होना चाहिए। कौन आएगा? अब कांग्रेस आए चाहे समाजवादी आए, लेकिन चेंज होना चाहिए। लेकिन क्यों चेंज हो यार? दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है। जो इंसान के घमंड हो जाता है ना, जो घमंड हो जाता है ना, वो घमंड एक आदमी को चूर करना होता है। आप कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ, और आप कह रहे हैं घमंड हो रहा है? क्या गरीब? मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। क्या गरीब? किसको क्या समझ रहे हैं बता दो? है एक गरीब आदमी 300 रुपया 400 रुपया कमाता है, वो क्या जी पा रहा?
कोई जी पा रहा नहीं जी पा रहा क्यों नहीं जी पा रहा लोग जी ही रहे हैं फ्री में वैक्सीन लगा दिया मोदी जी ने पूरे इतनी बड़ी आबादी फ्री में वो खसरा का कांग्रेस सरकार नहीं लगाई थी कांग्रेस सरकार भी तो खसरा का टीका पूरा कोरोना से अब तक फ्री में जो पूरा गांव साफ हो जाता था कोरोना से अब तक फ्री में राशन भी दे रहे हैं आप लोग फ्री में राशन दे रहे अरे फ्री से वो फ्री में राशन क्या क्या होगा पाँच किलो गेहूँ 5 किलो राशन में क्या कुछ हो जाता है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता तो क्या चाहते हैं कि अगले साल बदला होगा दुख परेशानी बीमारी है घर में कोई बीमार हो जाए लाख लाख रुपया डॉक्टर घोट जाते हैं वो कोई देता है उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया अपराधी सब भाग गए यूपी छोड़कर अरे अपराध तो काहे यहाँ इतना सब कुछ होता है कहाँ कोई कुछ करता है बताइए बताए क्यों योगी का डर नहीं है बुलडोजर बाबा का डर नहीं है लोगों के मन में खाली बुलडोजर जानना जानते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करना जानते क्यों कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही चलिए छोड़िए वो सब बात आपको क्या लगता है अगले साल बदलाव होगा कि नहीं होगा बदलाव तो होना चाहिए होना चाहिए क्योंकि नौ साल भाजपा का देख लिए 9 साल बेमिसाल मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल अरे तो बेमिसाल होगा जिसका होगा हम आपके लिए नहीं है क्या लगता है अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगली बार फिर उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बनने लायक है ही नहीं प्रधानमंत्री क्यों बनने लायक बने काम कर 18 घंटा काम करते हैं 18 घंटा नहीं 20 घंटा का वो बनने लायक ही नहीं सबकी बार सपा की सरकार आना चाहिए क्यों सपा की सपा तो उत्तर प्रदेश में हार गई पूरे देश में कैसे हार गई तो 5 साल में गठबंधन आजमगढ़ में सपा की सरकार भाजपा की दमे आ ही नहीं पाएगी भाजपा यहाँ पे आजमगढ़ जान रहे हो ना अमित शाह ने क्या कहा था अमित शाह जो मारो गोली जो बात है वो साफ है एकदम हाँ बताओ क्या किसकी सरकार सपा की आनी चाहिए सपा की आनी चाहिए अमित शाह कह रहे 50 साल हुकूमत करूंगा मैं हुकूमत क्या करेंगे 26 में तो दुनिया ही खत्म है 26 में दुनिया खत्म है कौन कह रहा है मैं बोल रहा हूँ दुनिया ही खत्म है 26 में अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है क्या लगता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए बदलाव होना चाहिए इंडिया गठबंधन आना चाहिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्यों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए अरे एजुकेशन के ऊपर काम करे बढ़ती महंगाई के ऊपर काम करे जो कि दाल बढ़ गई है 200 पार चली गई है और आज का खाद का रेट बढ़ गया खाद किसी को मिल नहीं पा रही है और गैस 209 रुपए बढ़ गया है मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ गरीबों के दर्द को समझता हूँ अरे जो दिन भर में 10 बार कपड़े बदलता है वो गरीबों के दुख दर्द क्या समझे गरीब का बच्चा गरीब ही समझ सकता है सुबह क्यों स्टेशन पे चाय नहीं बेचते थे स्टेशन पे चाय आपने देखा है आपने देखा होगा ना हमने कहाँ देखा है नहीं मैंने नहीं देखा लेकिन राहुल गांधी को क्यों आना चाहिए राहुल गांधी को आना चाहिए उत्तर प्रदेश में एजुकेशन टैक्स बहुत ज्यादा है और राज्यों में कम है यहाँ कोई गरीब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अगर कोई भी फार्मा डिफार्मा करना जा रहा है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है यही आप चले जाइए एमपी में तो वहाँ एजुकेशन टैक्स नहीं है अच्छा ये बताइए आप एक युवा हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कभी कुलियों के बीच जा रहे हैं हालांकि कुलियों के बीच उन्होंने हमारी खबर देख के गए हमने खबर चलाई थी कि कुली उनसे मिलना चाह रहे हैं तो राहुल गांधी कुलियों से मिलने चले गए कुली कभी राहुल गांधी कभी कारपेंटर के यहाँ जा रहे हैं कभी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं कभी ऑटो मैकेनिक से मिल रहे हैं तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो ये लोगों से मिलना है ये 2024 में कुछ कारगर साबित होगा इसमें गलत बात क्या है वो जमीनी स्तर के नेता है जमीनी स्तर के लोग से मिल रहे हैं कुली से मिल रहे हैं ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं कैसी उनकी परेशानी कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे वो अपनी जानकारी ले रहे हैं वो तो सत्ता में भी नहीं है ना उनसे कोई कुछ कर भी नहीं सकते ना अरे सत्ता में नहीं है जो सत्ता में वो नहीं देख रहा है जो सत्ता में नहीं है वो देख रहा है यही तो दिक्कत है इसका असर 24 के चुनाव पर होगा क्यों बिल्कुल होगा होगा हाँ चेंज होगा इंडिया गठबंधन आएगा इतने दावे के साथ कैसे आप दावे के साथ है जनता का मूड बदल गया है बदल गया हाँ जनता का यानी 24 में बदलाव हो जाएगा अच्छा अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है 9.5 सालों से मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो क्या लगता है कि अगले साल बदलाव होगा या फिर से मोदी जी आएंगे नहीं बदलाव होगा क्यों बदलाव होगा हाँ भाई आप लोग जान ही रहे जनता जान रही है अरे दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है विकास हो रहा है तरक्की हो रही है आप कह रहे बदलाव होना चाहिए क्या विकास हो रहा है बताइए क्या विकास क्यों सड़कें बन गई लोगों को रोजगार मिल गया फ्री राशन मिल रहा रोजगार मिल गया फ्री राशन तो मिल रहा है सबको किसको रोजगार मिल गया बताइए फ्री में राशन तो सबको मिल रहा है आप 5 किलो राशन से जिंदगी पार हो जाएगी हाँ 1 किलो कटता सरकार पूछती है 1 किलो कट जाता है 4 किलो मिलता है लेकिन अमित शाह ने कहा हम 50 साल हुकूमत करेंगे अमित शाह कह रहे 50 वो तो उनके ऊपर है।
और जनता के ऊपर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगली साल जनता चाहेगी तो एक मिनट में गिरा देगी। आपको क्या लगता है कि अगली साल बदला हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। पक्का पक्का अखिलेश आएंगे? अखिलेश आएंगे। अखिलेश कैसे आएंगे? तो यूपीए में उनकी सरकार नहीं, आप कह रहे कैसी बात कर रहे हैं? अखिलेश कैसे आए? आज भी अखिलेश है, आजमगढ़ से जीते हुए हैं। कौन कहता नहीं जीते हैं? कहाँ जीते? निरहुआ जीत गया सांसद। अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे या सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जो चाहेगी वही सब लोग होगा। जनता क्या चाह रही है? जनता के दिमाग में घुमा है सब लोग, जनता जनता है। सवाल यह है कि जैसे देश प्रदेश का शासन प्रशासन ये सरकार के हाथ में होता है, सरकार जो कर रही है तो ठीक है कर रही है, लेकिन जनता महंगाई से और तरह से नौकरी धंधा से सब लोग परेशान है। हैं आम गरीब लोग खाली देखने में लिखा, आटा चावल तो जमाने से मिलता था। मोदी जी कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। तो वो दर्द तो समझ रहे हैं, ठीक है। दर्द यही समझ रहे हैं कि गैस सिलेंडर 600 रुपया करवा के आज 1200-1500 रुपया ले रहे हैं, जिसके घर पे अच्छा जहाँ चल रहा था सिस्टम ये इलेक्ट्रिक का, क्यों जैसे चला ले रहा वैसे चला लेता, अब सबके घर मीटर वो भर है। अब कनेक्शन पानी का भी लग रहा है, कनेक्शन पानी का भी लग रहा है। अच्छा वो भी हम माने बिल पर बिल, जैसे कोर्ट कचहरी में पहले तारीख पे तारीख पड़ती थी, उसी तरह अब बिल पर बिल हमको भरना है, चाहे हमारी कमाई हो चाहे ना। लेकिन मोदी जी की सरकार काम सही कर रही है, अराजकता थोड़ा देश में कम हुई है, इससे सबको शांति थोड़ा मिली है। गुंडों बदमाशों उन्होंने नकेल कसा हुआ है, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें ताकि है, लेकिन अब इस समय जनता बजेगा गठबंधन लेके। अगली साल चुनाव है, क्या लगता है बदलाव हो जाएगा? अगली साल बदलाव होने का कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। कहे कि जनता भले आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, यहाँ सपा और बसपा का जनाधार है, यही सरकार में यहाँ के आने वाले है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कर, मैं महेंद्र भाई उर्फ धोनी विलेज तरीका पोस्ट संजयपुर डिस्ट्रिक्ट आजम उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त संजयपुर के लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और 2024 में एक बार फिर से उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और 2024 में उनकी विदाई तय है। लेकिन एक अजीब बात जो है कि यहाँ के लोग ज्यादातर ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव अगले प्रधानमंत्री बने, जो कि संभव नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ भी इस देश में असंभव नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पे हर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने हमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी भी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखते रहें रियल एक्सप्रेस, बने रहें हमारे साथ।